गाइस कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। क्रिएटिव मुस्कान में आपका स्वागत है गाइस। आज मैं गेहूं के आटा का पास्ता बनाई हूं गाइस, आप देख सकते हैं। और एक बार टेस्ट करते हैं। ऑसम है गाइस, एक बार आप भी अपने घर में ट्राई करके देखिएगा कि कैसा बना है और कैसा लग रहा है खाने में। शाम का नाश्ता या सुबह का नाश्ता, लंच में भी आप दे सकते हैं बच्चे लोगों को। तो गाइज आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा 1.5 कप आटा ली हूँ। जैसे गेहूं का आटा सानते हैं ना, वैसे ही आटा सान लेना है इस तरह से। इस तरह से सान लीजिए अच्छे से। तो गाइज आप देख सकते हैं कि मैं आटा को अच्छे से सान ली हूँ, पूरा सॉफ्ट है। गाइज मैं गेहूँ के आटा से पास्ता बनाने के लिए आटा सबसे पहले सान के आपको दिखा दी। अब मैं प्याज काट ली हूँ। प्याज को इस तरह से खोल के रखना है गाइज, ऐसे ऐसे काटिएगा आप। इस तरह से काट ली हूँ, मिर्ची भी काट ली और लहसुन इसमें पानी में डाल दी हूँ, जिससे छिलका जल्दी से निकल जाएगा और फिर इसको मैं ग्राइंड कर लूँगी। तो गाइज चलते हैं, आटा का पास्ता बनाते हैं। अब चाहे तो कोई भी शेप डाल सकते हैं, बस इस तरह से इसको ऐसे पतला कर देना है और बीच से ऐसे चिपका देना है, देख सकते हैं। इसको दाल में भी डाल करके बनाते हैं, उसको शायद दलपिट्ठी बोलते हैं गाइस, पता नहीं, मेरी दादी लोग बनाती थी, देख सकते हैं। इस तरह से छोटा छोटा पतला पतला आप कर लीजिए। तो गाइज आप इस तरह से ऐसे कर लीजिए और इसको ऐसे काट सकते हैं आप कैंची से, देख सकते हैं। मैं 2-3 शेप आपको दिखा दी, आप जैसे चाहें वैसे काट सकते हैं, ये देखिए। ये चिपके नहीं, इसलिए इसको इस तरह से आटा में आटा के साथ ऐसे करके मिला के रख लेते हैं, जिससे ये चिपकेगा नहीं। ये देखिए गाइस, तो गाइस आप देख सकते हैं कि मैं अच्छे से इसको तोड़ ली हूँ। और यहाँ गाइस पानी गर्म हो रहा है, अभी मैं इसको उबालूंगी, थोड़ा सा उबाल करके फिर इसको फ्राई करके दिखाते हैं आपको। पानी जब तक गर्म होता है तब तक मैं लहसुन को अच्छे से पेस्ट बना लेती हूँ। तो गाइस आप देख सकते हैं पानी गर्म हो चुका है, तो मैं इसमें डाल देती हूँ इसको। और थोड़ा सा नमक भी डाल देना है। तो गाइज आप देख सकते हैं मैं थोड़ा सा साथ में नमक भी डाल रही हूँ और इसको चला देना है, देख सकते हैं ये बॉइल्ड हो रहा है, ये देखिए गाइज। दो तीन मिनट तक इसको आप इसमें रहने दे, बॉइल्ड होने दे, जैसे पास्ता उबालते हैं ना वैसे ही इसको भी उबाल लेना है, गेहूँ के आटा का पास्ता। तो गाइज आप देख सकते हैं बॉइल्ड हो गया है, अब मैं इसको निकाल रही हूँ इस तरह से छन्नी से, इस तरह से आप निकाल लीजिए इसको। लग रहा है ना पास्ता है। तो गाइज इस तरह से निकाल लेते हैं। तो गाइज आप देख सकते हैं कढ़ाई गर्म हो चुका है, मैं पहले से गर्म कर रही थी, अब इसमें हल्का सा तेल डाल देंगे। तेल
तेल गर्म होने देंगे, उसके बाद थोड़ा सा जीरा डालना है। गाइस आप देख सकते हैं मैं थोड़ा सा जीरा डाल दी हूँ। उसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा मिर्च डाल दूंगी। गाइस मैं मिर्च डाल चुकी हूँ। उसके बाद डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। थोड़ा सा इस तरह से चला लेते हैं। और अब डाल देंगे प्याज। आप चाहे तो कोई भी सब्जी भी डाल सकते हैं, जैसे टमाटर हो गया, गाजर हो गया, तो ये सब अभी आप डाल सकते हैं। मेरे पास फिलहाल अभी यही था तो मैं यही डाल रही हूँ। इसको पूरा जलाना नहीं है, बस लाइट ब्राउन हल्का सा आप कर सकते हैं, जैसे पास्ता में रहता है प्याज वैसे होटल में, वैसे आप इसको फ्राई कर लीजिए हल्का सा। तो आप देख सकते हैं गाइस हल्का सा ब्राउन हो रहा है। अब मैं इसमें पानी डाल दूंगी, ज़्यादा है तो उसको पकाना है नहीं, हल्का सा पानी डालूँगी। पानी डाल दीजिए और पानी डाल करके 2 मिनट छोड़ दीजिए, ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा प्याज। तो गाइस अब इसमें डालें, तो गाइस डालेंगे अब इसमें हल्दी हल्का सा, हल्का सा धनिया, थोड़ा सा मीट मसाला, मैगी मसाला पूरा पैकेट डाल दीजिए, सॉरी थोड़ा सा रेड चिली पाउडर और इसको इस तरह से चला लेना है। और अब इसमें डालेंगे कलर के लिए लाल पाउडर। सब कुछ डाल दिया है गाइस, तो इसमें ही इसको डाल देना है, अच्छे से डाल दीजिए। इसके बाद इसको थोड़ा सा चला लेते हैं। क्योंकि नमक दिए थे उस समय में बॉईल के समय में, इसे थोड़ा सा ही नमक डालना है, तो थोड़ा सा नमक डाल दे रहे हैं, देख सकते हैं। इसको मिला के थोड़ी देर छोड़ देते हैं, 5 मिनट में बन जाएगा गाइस। थोड़ा सा पानी और डाल दीजिए और 5 मिनट के लिए इसको छोड़ दीजिए। तो गाइज़ आप देख सकते हैं कि ये अच्छे से पक चुका है। कितना खूबसूरत लग रहा है। दो मिनट और इसको छोड़ूंगी गाइज, उसके बाद ये पूरा अच्छे तरीके से हो जाएगा, फिर निकाल के सर्व करते हैं। तो गाइज़ आप देख सकते हैं पूरे अच्छे तरीके से ये हो चुका है। अब इसको निकाल लेते हैं प्लेट में।